वीडियो 5D लेसन 5 मल्टीप्लिकेशन। आज हम इस वीडियो 5D में लेसन 5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि लेसन 5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई 3 डिजिट्स नंबर वाई 3 डिजिट नंबर। सिंपल है, कर सकते हो आप लोग। मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बेसिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है ब्रीफली। ओके, तो 638 की मल्टीप्लाई करनी है 863 से। तो मैंने आपको बताया कि 863 को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हो, 860 प्लस 3। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई सबसे पहले 3 से करो, फिर 60 से करो, फिर 800 से। यहाँ आपने जो नंबर लिख दिए, अब ये जो मल्टीप्लाई आई है यहाँ पर, इसको आप कैसे करोगे, समझो पहले पॉइंट को जो हम समझाना चाह रहे हैं। क्या है ये मल्टीप्लाई आई है, 638 मल्टीप्लाई 3, और ये जो मल्टीप्लाई आई है कितनी आई है, 638 मल्टीप्लाई 60, और ये जो मल्टीप्लाई कहते हैं ये 638 मल्टीप्लाई 800। इनका सम किया, इन सब का सम किया हमने, ये इसका आंसर है। समझ गए आप लोग, ठीक। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 है, 250 की मल्टीप्लाई 502 से करनी है। तो सबसे पहले हमने ब्रेक किया किसको, 502 को, 500 प्लस 0 प्लस 2, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर लो। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 250 से मल्टीप्लाई की 2 की, तो कितना आ गया 500 आ गया। 250 की मल्टीप्लाई 0 से की तो कितना आ गया 0, और 250 की मल्टीप्लाई कैसे की 500 से तो कितना आ गया 125,000, ठीक ना आ गया। ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ लिख दो, किसकी मल्टीप्लाई है, ये 250 की मल्टीप्लाई है 2 से, और ये जो मल्टीप्लाई कितने की है 250 की मल्टीप्लाई 0 से है, और ये जो है मल्टीप्लाई 250 की मल्टीप्लाई कितने से है, ये 500 से। यहाँ सब कुछ सम किया हमने, गसम आया, और ये इसका आंसर रिजल्टेंट इसका आंसर है। इस तरह से करना है, समझ गए आप लोग, कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, ये हमने आपको होमवर्क में दिया, आप लोगों ने सॉल्व किया, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को सॉल्व करके फॉरवर्ड किया, अच्छी बात है। तो आप लोग बात को समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, समझना है, हर एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो बस यही है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह सकते हैं, हमने इसको समझाया भी था आपको अच्छे से, ऐसा नहीं है कि हमने एक पॉइंट को नहीं बताया है, बताया है हालांकि। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वाई इस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 1000, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होते हैं। तो मल्टीप्लाई की, अब ध्यान रखना, जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई हो तो कुछ नहीं करना है, 99 और 30 हैं, 1 2 3 30 लास्ट में पुट करना है आपको, समझ गए, कर सकते हो मल्टीप्लाई इससे, सिंपल। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वाई लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ थोड़ा देखो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं 999, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं 99, ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले हम 99 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 90 प्लस 9, तो 999 की मल्टीप्लाई 9 से की, फिर 999 की मल्टीप्लाई 90 से की, इधर इतना आ गया। अब यहाँ लिख दो, क्या लिखना पड़ेगा भैया, कि 999 की मल्टीप्लाई 9 से की, यहाँ लिख दो 999 की मल्टीप्लाई 90 से, सॉरी, यह नहीं है पर 999 की मल्टीप्लाई 90 की, और यहाँ लिखो 999 की मल्टीप्लाई 99 की मल्टीप्लाई 90 से की,
समझ गए? यस खान सर, ऐसे करना है। ये जीरो है, ये वन है, ये नाइन है, ये एट है और ये नाइन है। कर सकते हैं आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर फोर का। द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर वाई स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर कितना होता है? 99,999। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर होता है 10। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। आप 99,999 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है, तो यहाँ जीरो पुट करना है लास्ट में। बस जीरो पुट, जैसे हमने कि इसमें क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो लास्ट में जीरो पुट करना है। तो इस तरह क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का, पार्ट नंबर फोर मैंने आपको होमवर्क में दिया था सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने सॉल्व किया, और जिन स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया है वो सॉल्व करें। और बस आज की वीडियो इतना ही। ठीक, और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।